दोस्तों, मैं रैबिट ट्रेनर राहुल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रैबिट डेली रूटीन। ये खरगोश का डेली रूटीन क्या है, तनुज पटेल जी ने हमसे एक कमेंट में क्वेश्चन पूछा है कि सर हमें बताएं कि आप अपने रैबिट्स का डेली रूटीन कैसे रखते हैं। उन्होंने व्यक्तिगत हमारे फार्म का जैसे मैनेजमेंट करते हैं उसके बारे में उन्होंने पूछा है कि सर अपने फार्म में आप डेली रूटीन अपने रैबिट्स का कैसे रखते हैं, इसके बारे में हमें बताएं। तो आज हम लोगों आप लोगों को सबसे पहले अपना फार्म थोड़ा दिखाएं। देखिए, आप लोग एक बार अगर जो फार्म देखना चाहते हैं हमारा तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए, एक लिटिल सा सर्वे हमने अपने फार्म का करवा दिया। अभी हमारे फार्म में 2400-2500 रैबिट करीब भरा हुआ है। लॉकडाउन के कारण कंपनियां माल नहीं उठा रही हैं, जिसके कारण अभी बहुत ज्यादा रैबिट हमारे फार्म में भरा हुआ है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं, व्हाट इज डेली रूटीन ऑफ रैबिट। हमारे जो हम आपसे वो बातें साझा करते हैं जो अपने फार्म में हम अपने खरगोशों के लिए यूज करते हैं। आप कोई बीमारी, कोई हजारी, कोई किसी भी चीज का कोई वीडियो हम बनाते हैं तो वो एक्सपीरियंस आपसे साझा करते हैं जो हम अपने खरगोशों पर उस समस्या के लिए यूज करते हैं। चलिए, आप लोगों को हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आप लोग यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे भैया वीडियो जरूर हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अन्यथा यदि आपके पास रैबिट हैं या आप रैबिट फार्मिंग के किसान हैं तो कभी ना कभी आपको हमारी आवश्यकता पड़ेगी जरूर, फिर आप हमको यूट्यूब पर खोजते घूमेंगे। चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं, व्हाट इज द डेली रूटीन ऑफ रैबिट। हम अपने फार्म का कैसे शुरू करते हैं, महीने की एक तारीख से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम महीने की एक तारीख को आ गए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक से लेकर चार दिन तक, देखिए ये हाईटेक वीरबैक कंपनी का, तो हम क्या करते हैं एक से लेकर चार दिन तक एक खरगोश के लिए 0.5 ml हाईटेक बीमार खरगोश को देते हैं। यदि उसके किसी तरीके का फंगस है, यदि किसी तरीके की कोई स्किन डिजीज है तो उसके लिए, वरना हम 100 खरगोशों पर अपने महीने के एक से लेकर पांच दिन उसके फीड में मिलाकर हाईटेक वीरबैक कंपनी का देते हैं। इसकी मात्रा हम 100 खरगोशों के लिए 30 ml देते हैं एक दिन में। उसके 100 खरगोशों के फीड में 30 ml हम मिला देते हैं और सारे खरगोशों को डाल देते हैं महीने के चार दिन, एक से लेकर चार तारीख तक का ये रूटीन हो गया। अब इससे क्या होगा, हमारे खरगोश की डिवॉर्मिंग हो गई। एक महीने तक हमको अब नहलाने की जरूरत नहीं, किसी तरीके के फंगल इन्फेक्शन की कोई शिकायत नहीं, ना ही किसी तरीके की स्किन डिजीज है। रैबिट को हमारे प्रॉपर भूख लगेगी क्योंकि इसमें लिवर मिंट भी मिला हुआ है, तो इससे खरगोश का जो बॉडी वेट गेन करने की कैपेसिटी भी इससे अच्छी बढ़ती है। जब खरगोश स्वस्थ रहेगा तो वेट अच्छी तरीके से गेन करेगा। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ कि डेली रूटीन जो हमारा है उसमें दूसरा काम हम क्या करते हैं। अब दूसरा काम देखिए, हिमालया कंपनी का ली 52, ये हम अब हम एक से पांच तारीख तक हमने हाईटेक दिया है। अब पांच से आठ तारीख तक यानी या 9 तारीख तक चार दिन हम देते हैं, चार दिन 100 बच्चों के लिए 100 ml, एक बच्चे के लिए 1 ml, क्या है ली 52। हम अब अगले चार दिन लगातार अपने सारे खरगोशों को फीड में मिलाकर ली 52 देंगे। एक से पांच तारीख तक हाईटेक दे दिया, अब पांच से नौ तारीख तक हमने ली 52 दे दिया। ली 52 देने से क्या होता है कि बॉडी है उसके अंदर जितने भी पेट के अंदर जो हमारे उसके लीवर का डाइजेशन फंक्शन है या और कई तरीके की दे, ये जो आजकल हिमालय का ली 52 आता है इसमें ली 52 भी होता है और थोड़ा लीवर मिंट, लीवर एक्सट्रैक्ट भी कॉम्प्लेक्स वगैरह, एक मिनरल, एक समझिए कि एक मिनरल मिक्सचर के तौर पर अब आने लगा है हिमालय का ली 52, तो उससे थोड़ा बॉडी में ग्रोथ अच्छी आती है और खरगोश का जो लीवर डाइजेशन फंक्शन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क करता रहता है। तो इस तरीके से हमने बताया कि अब हम तीसरा काम क्या करेंगे। अब हम तीसरा काम इनको एंटीबायोटिक देने का करते हैं ताकि खरगोश के जुकाम ना हो, बुखार ना हो। देखिए, जब खरगोश फार्म में रहता है तो काफी डेंसिटी में रहता है, यानी एक एक केज में
छोटे बच्चे करीब 6 हैं 5 हैं 4 हैं ऐसे करके रखने पड़ जाते हैं, क्योंकि जब मादाएं बच्चे देने लगती हैं तो बहुत सारा बच्चे एक बार में हर महीने करीब 200-250 बच्चा पैदा होने लगता है, उसको रखने के लिए जगह की कमी पड़ती है। तो एक एक जो 2 बाई 2 का केज है उसमें 4 4 5 5 बच्चे रखते हैं, बहुत ज्यादा डेंसिटी हो जाती है, फिर खरगोश के अंदर तरह तरह की बीमारियां आने लगती हैं। इसके लिए हम उसको अब 9 या 10 10 तारीख से लेकर हम अगले 14 तारीख तक, यानी 4 दिन हम इसको इंड्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं अपने खरगोश को। अब इंड्रोफ्लॉक्सासिन कितना देते हैं, 30 ml, 100 खरगोश के लिए 30 ml उसके फीड में मिलाकर इंड्रोफ्लॉक्सासिन हम महीने के फिर 4 दिन उसके बाद दे देते हैं। देखिए इंड्रोफ्लॉक्सासिन ये वो रखा हुआ है जियोडिट कंपनी का हमारे पास है, ये 1 लीटर करीब 600 रुपए का आ जाता है, और हाईटेक ओरल सोल्यूशन 802 रुपए का आता है, हिमालय ली 52 775 रुपए MRP है, करीब 650 रुपए ये भी आ जाएगा। MRP बताना जरूरी रहता है जो ताकि लोग खरीदने में लोगों को आसानी रहे। तो ये हो गया है डेली रूटीन कि हम अपने खरगोशों को इतने दिन में क्या देते हैं। अब आती है कि आगे की बात, अगला डेली रूटीन क्या है। अब हमारा देखिए खरगोश पूरी तरीके से डिवार्मिंग हो गई, लीवर स्ट्रांग हो गया, अब उसको हमें जरूरत है एक अच्छे फीड की, और समय पर देने की जरूरत है, एक अच्छे हरे चारे देने की जरूरत है, वो भी एक अच्छे समय पर। तो अब हम लोग अपने चलते हैं फीड की। खरगोश के लिए संतुलित आहार कैसे बनाते हैं, ऊपर आई आइकन्स में एक वीडियो लगा हुआ है, उसको आप लोग देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम संतुलित आहार के बारे में बताएंगे, क्योंकि गर्मी के लिए संतुलित आहार दूसरा बनता है और जाड़े के लिए संतुलित आहार दूसरा बनता है। तो इसलिए जो खरगोश के मतलब ग्रोथ के लिए अच्छा संतुलित आहार है उसके लिए जो वीडियो हमने आई आइकन्स में दिया है उसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, और हम वो भी लगा दे रहे हैं यहाँ पर आई आइकन्स में वीडियो कि जाड़े और गर्मी, एक पहले वाला गर्मी के लिए और दूसरे वाला जाड़े के लिए संतुलित आहार फीड। अब हम लोग अगले चलते हैं। अब उसको हम फीड कैसे देते हैं, हमने जो फीड है एक बार बना के 100 kg के रूप में, एज एग्जाम्पल हमने बता दिया कि हम 100 kg के का फीड बना लेते हैं। 100 kg के फीड को अब हम सुबह सुबह मॉर्निंग एक बार, बस इसके लिए फीडर है इनमें, इन फीडरों में हम फीड डाल देते हैं, मतलब एक खरगोश को 100 ग्राम फीड हम डालते हैं, क्योंकि ये, और आप चाहें तो खरीदा हुआ जो पैलेट फीड आता है वो भी आप खरीद सकते हैं मार्केट से, उसका भी अच्छा रिजल्ट होता है। घर के बनाए फीड से उसका रिजल्ट हमेशा 20 रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी मशीनों द्वारा जांच कर लिया जाती है कि जो पैलेट बन गया रैबिट के लिए उसमें स्पेसिफिक मात्रा में मतलब जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, प्रोटीन है, और जो भी उसके लिए आवश्यक पोषक तत्व है वो है या नहीं, किसी चीज की कमी होती है उस पैलेट में, फिर वो लोग उसको मिक्सअप करके फिर उस पैलेट की अपने मशीन द्वारा जांच कर लेते हैं, और वो हल्का डीप जो डीप बॉइल्ड हो जाता है जिसके कारण उसमें जो भी फंगस वगैरह है वो सब खत्म हो जाते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए फीड की बात हो गई, अब पानी की बात है, हम क्या करते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर हमारे हर एक पेरेंट खरगोश के पास एक कटोरी रखी हुई, उस कटोरी में हम पानी डाल देते हैं सुबह सुबह, और एक बार देखिए गर्मी का दिन है तो आपको 3 बार पानी देना है एक एक कटोरी खरगोश को अपने, यदि जाड़ा है तो 2 बार पर्याप्त है, गर्मी में 3 से 4 बार आप दे दीजिए, और जाड़े में 2 बार तो मतलब 2 बार कंपलसरी है, जाड़े में आप 2 बार दीजिए, और जाड़े में हम ही 2 बार देते हैं और गर्मी में हम 3 बार। तो इस तरीके से, और गर्मी में क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा गर्मी 40 डिग्री से जितने दिन टेम्परेचर ऊपर रहता है उतने दिन हम अपने खरगोशों को ORS सॉरी ग्लूकॉन्डी देते हैं। ग्लूकॉन्डी थोड़ा करीब मान के 50 ml ग्लूकॉन्डी एक बाल्टी पानी में मिलाकर अपने खरगोशों को हम पिला देते हैं, उससे उनके अंदर पानी की कमी पूरी होती रहती है। डेली रूटीन का ये भी एक बहुत अच्छा पार्ट है। अब देखिए अब आपके खरगोश का खाना हो गया, फीड हो गया, पानी, अब आती है ग्रीन की बात। डेली रूटीन में हम ग्रीन कब देंगे और उसको कितनी मात्रा में देंगे। तो अब हम देखिए इस समय गर्मी का सीजन है, देख व्यक्तिगत बात हम कर रहे हैं, कोई क्या खिला रहा है उसके बाद नहीं कर रहे। इस समय हमने मक्का और लोबिया मिला के बो रखी है और अपने खरगोशों के लिए वो हम इनको शाम के टाइम देते हैं, और दे उसको काट के थोड़ा पहले रख लेते हैं 2 घंटे 3 घंटे पहले, जब वो थोड़ा जो घास है वो थोड़ा मुलायम पड़ जाती है, हल्की सूख जाती है, तब हम उसको डालते हैं, जिससे हमारे रैबिट के
स्पॉटी आने की समस्याएं कम हो जाती हैं और थोड़ा उसमें फंगल इन्फेक्शन होने की खतरा भी कम हो जाता है। और अब ये हरे चारे में हम क्या दे रहे हैं, लोबिया और मक्का मिला के हमने बो रखी है, और दूसरी और नेपियर घास हमने लगा रखी है। नेपियर घास साल भर खरगोश के लिए चलने वाला हरा चारा है। ऊपर आई आइकन्स में एक वीडियो है, उसको आप लोग पूरा देखिए कि किस तरह आप नेपियर घास लगाकर पूरी गर्मी भरपूर मात्रा में खरगोश के लिए हरा चारा पा सकते हो। उसमें हमने नेपियर घास तोड़ के अपने खरगोश के डाल के खिला के दिखाई है कितनी अच्छी तरीके से खरगोश हमारा नेपियर घास खा लेता है। तो आशा करते हैं दोस्तों, देखिए अब क्या हुआ, हमने हरा चारा भी बता दिया, हरा चारा हम अपने खरगोश को शाम में देते हैं। तो एक डेली रूटीन जो है, हमने दवाओं का एक डेली रूटीन बता दिया, हरे चारे का बता दिया और फीड का बता दिया। अब ये सब होगी, अब बीमारी जैसे कोई स्पेसिफिक बीमारी आ गई, खरगोश के निमोनिया हो गया, बुखार हो गया, तो इंडोफ्लॉक्सासीन आप 1 ml दे दीजिए या फिर 1 ml जेंटामाइसिन का इंजेक्शन खरगोश के लगाना है। हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए, हमने इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है। खरगोश के जुकाम बुखार, मुंह पे पानी आना, नाक पे पानी आया, इन समस्याओं के लिए हमने स्पेसिफिक वीडियो बना रखे हैं। खरगोश के इंजेक्शन कैसे लगाने हैं उसके लिए भी स्पेसिफिक वीडियो बना रखे हैं। इसलिए कहते हैं कि वीडियो पूरा देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल में जाके जो अन्य वीडियो हैं उनको भी आप देखिए। और अरे लूज मोशन हो रहे हैं, लूज मोशन के लिए मैं मेट्रोनिडाजॉल एंड ओफ्लॉक्सासिन ओरल सस्पेंशन आप लाइए, मार्केट से 35 रुपए CC आती है। फर्स्ट दिन 1 ml सुबह शाम दीजिए और अगले दिन 2 दिन 1 ml खरगोश को दे दीजिए, कितना भी लूज मोशन होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों जो एक बेसिक से बेसिक चीजें हैं, अब एक देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सर हमारा खरगोश फिट है लेकिन फिर भी हम उसको कैसे और अच्छा हेल्दी बना सकते, कई लोगों ने क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो उन भाइयों के लिए बता दें, यदि आपके खरगोश में कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने खरगोश के लिए देखिए हिमालय कंपनी का ली 52 हम 5 ml की बॉटल में लाते हैं और आप 1 लीटर की बोतल मिलाइए, जो हमारा ये पैक है 5 लीटर का है, आप लोग 1 लीटर मिलाए, 1 लीटर करीब 150 रुपए का या 200 रुपए का मिल जाएगा। आधा लीटर भी आता है वो आप ले सकते हैं, उसको आप डिस्पोजल सिलिंग में करके ऐसे खरगोश को पिला दीजिए महीने के 4 दिन, या नहीं पिला पा रहे तो उसको जो फीड दे रहे हैं या उसको जो पानी दे रहे हैं, जब वो कस के उसको एक टाइम शाम के टाइम पानी मत दीजिए, और सुबह जब उसको पानी में थोड़े पानी में 0.5 ml हिमालय का ली 52 या 1 ml हिमालय का ली 52 मान लीजिए, 1 ml नुकसान नहीं करेगा, 1 ml हिमालय का ली 52 डाल के जैसे आप देंगे खरगोश पूरा पानी पी लेगा, क्योंकि प्यासा होगा और हल्का उससे मीठापन भी आ जाता है, खरगोश अच्छी तरीके से पी लेता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जो खरगोश का डेली रूटीन था उसके बारे में पर्याप्त बिल्कुल चर्चा हो चुकी है। यदि आपका कोई और क्वेश्चन है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपका भाई राहुल रैबिट ट्रेनर आपके लिए स्पेशल वीडियो बना के जरूर देगा। थैंक यू।